दोस्तों मैं भी टॉस कोहली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग एक पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। और दोस्तों जो इस पर पोस्ट मैच एनालिसिस पर लेके आया हूँ वो भी मेडवेडेव के शायद थे रशिया के प्लेयर हैं और है रूबलेव। रूबलेव का मैच था वर्सेस मैच था तो निशोका के साथ बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। क्वालिफायर से थे पहला मैच तो सेकेंड राउंड में प्रवेश किया, क्वालिफायर में भी बढ़िया प्रदर्शन किया अपने, उधर दोनों के दोनों मैच जीते और मेन ड्रॉ में आए। मेन ड्रॉ में भी पहला मैच जीता और सेकेंड मैच में पहुंचे थे, बट सेकंड मैच में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए रूबलेव के खिलाफ। दोस्तों इन दोनों के बीच में मैच था एटीपी रैंकिंग 5 है रूबलेव की और जो क्वालिफाइड खिलाड़ी है निशियोका उनकी एटीपी रैंकिंग 49 है। और दोनों के बीच में मैच विद इन 2 स्ट्रेट सेट्स में फिनिश किया रूबलेव ने और नेक्स्ट राउंड में बढ़े हैं। उनका जो नेक्स्ट राउंड में मैच होगा वो बोटी के साथ होगा, नीदरलैंड के प्लेयर हैं वो भी अच्छा खेलते हैं। फिलहाल दोस्तों ये वाले मैच की बात करें तो पोस्ट मैच चालीस में बढ़ने से पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना यार, किस बात की देरी कर रहे हैं, किस बात का विलंब कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन बटन क्लिक कर लेना ताकि अपडेट्स आपको मिल जाए तुरंत तुरंत। बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। दोस्तों पहले सेट में शुरुआत काफ़ी अच्छी थी दोनों प्लेयर्स द्वारा, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4। उसके बाद 5-4 किया रूबलेव ने, फर्स्ट सर्विस टू स्टे इन द सेट चलाया था, तब उनकी सर्विस गेम ब्रेक की और 6-4 से पहला सेट जीता। रूबलेव ने अच्छा प्रदर्शन बताया, प्रेशर सिचुएशन में डाला युशिहिरो निशिओका को और पहला सेट जीता। सेकंड सेट की शुरुआत की जाए तो शुरुआत अच्छी रही, 1-1 रहा, 2-2 रहा। उसके बाद रूबलेव ने सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 3-2 किया। उसके बाद निशिओका की सर्विस गेम ब्रेक की, 4-2 की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 5-2 किया। अब निशिओका को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक बैक करना, अदरवाइज ये सेट और मैच हार जाएंगे, जो कि वो नहीं कर पाए। और रूबलेव ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-3 से ये सेट जीता और ये मैच जीता। पहला सेट 6-4 से, सेकंड सेट 6-3 से। अब वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, जो मैच होगा वो तो बता ही दिया है, नीदरलैंड के प्लेयर के साथ मैच होगा। फिलहाल दोस्तों अगर मैं स्टैट्स क्यों नहीं डालूं तो स्टैट्स में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा रूबलेव द्वारा। रूबलेव ने 12 एसेस लिए। दूसरी ओर देखा जाए जो क्वालिफायर अपने प्लेयर थे निशिओका, उन्होंने 2 ही एसेस लिए, डबल फॉल्ट भी ज़्यादा किए और उन्होंने 2 ही डबल फॉल्ट किए। और आते हैं ब्रेक पॉइंट सेव्ड एक बार किया, 2 बार सेव करने में कामयाब नहीं हुए, पहले सेट में सेकंड सेट में। दूसरे रूबलेव एक बार ब्रेक पॉइंट आया और एक बार सेव किया, और वो जो ब्रेक पॉइंट आया था पहले सेट में आया था जब 3-2 पे थे सर्विस गेम पे। रूबलेव ने अच्छा प्रदर्शन किया, हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी पहले 1-0 से आए थे, अब 2-0 से आगे हो गया निशिओका के खिलाफ। पहला मैच भी 2023 में खेला था, सेकंड मैच भी 2023 में। फिलहाल दोस्तों मैं तो चलता हूँ, आप रूबलेव के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप प्रेडिक्शन दीजिए आपको कैसा लग रहा है कि भाई आने वाले मैचेस में कैसा खेलेंगे बर्सी मास्टर्स में। अभी के लिए चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।